एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा जरूर बोले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको गूलर के पेड़ के बारे में जरूरी बातें और एक खास उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि गुरु जी ने खुद अपने एक भक्त को खुद से गूलर का जो है जो फल होता है वो दिया और उन्हें बताया कि आपको घर के किस स्थान पर इसे रखना है और उससे कैसे चुटकियों में आपकी पूरी किस्मत बदल जाएगी। आप चाहें तो बड़े वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको इसे बता रही हूँ क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये छोटा सा उपाय मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको तुरंत ही उपाय समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस बात पे विश्वास हो रहा है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, वरना आप तुरंत इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भगवान जो नरसिंह है, भगवान नरसिंह का आशीर्वाद गूलर के पेड़ पर होता है और इस पेड़ पर देवी लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। इस फल से जुड़े हम आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताएंगे जिससे रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। अमावस्या के दिन इस पेड़ के जो फल होते हैं उनसे धन की वर्षा होती है। तो ध्यान से सुने, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सटीक एवं आसान उपाय बताएंगे जिससे आपकी जो वर्षों की परेशानियां हैं वो तुरंत ही समाप्त होती आपको नज़र आने लगेगी और धन से आपका घर भर जाएगा। यह कहावत है तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसने भी गूलर का फल देख लिया हो तो उसे समझो उसका किस्मत जो है रातों रात चमक जाती है, और ये कहावत बिल्कुल सच भी हुई है। खुद भक्त ने आकर जो है इस बारे में बताया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इस फल को अपने घर लाना है और कैसे यह फल हमको अमीर बना सकता है। ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु को अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जब हिरण्यकश्यप का वध अपने नाखूनों से करना पड़ा। हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात पौराणिक कथाओं का में वर्णित है कि नरसिंह भगवान के नाखून में खुजली होने लगी थी और इस खुजली को दूर करने के लिए वह उपचार ढूंढने लगे। तभी रास्ते में भगवान नरसिंह को एक गूलर का वृक्ष दिखाई दिया। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों की इस खुजली के लिए इसी गूलर के वृक्ष के फल को दवा के रूप में लगाया। इससे उनकी खुजली तो ठीक हो गई, ध्यान से सुनिएगा, इससे जो भगवान नरसिंह थे उनके हाथों की जो खुजली थी नाखून में वो तो ठीक हो गई, किंतु गूलर के वृक्ष में दर्द से वो कराहने लगा। गूलर के वृक्ष में नाखून के दबाव के कारण जो दर्द था वो गूलर के वृक्ष ने खींच लिया और गूलर के वृक्ष को दर्द होने लगा और वो कराहने लगा और उसने कहा कि भगवान, आपके नाखूनों की चुभन से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है और अभी अभी आपने एक असुर का वध किया है तो आपके नाखूनों में लगा हुआ रक्त भी आपने मुझे पूरी तरीके से अपवित्र कर दिया है, कृपया हमें इस दर्द से मुक्त करें। भगवान नरसिंह गूलर के वृक्ष से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस वृक्ष से कहा कि तुम ऐसे ही दूसरे के दर्द को ठीक करते रहोगे, और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ उस वृक्ष में निवास करेंगे। तो बस आपको इतना ही करना है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक लाल पेपर को आप ले लें। लाल पेपर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, आप चाहें तो बाजार से भी खरीद सकते हैं या घर पर भी अगर आप रखते हैं तो लाल पेपर या फिर लाल कपड़ा भी आप ले सकते हैं। उस पर आपको क्या करना है कि गूलर के फल के जो रस है, गूलर के फल का जो रस है उसे स्वास्तिक बनाकर अगर घर में रख लें तो वह व्यक्ति रातों रात धनवान बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा उपाय है, कर लीजिए, एक ही बार आपको करना है, बार बार करना भी नहीं है।
और अगर आपकी कोई इच्छा है जिसे आपको पूरा करना है, जैसे शादी की इच्छा, जिससे आप प्रेम करते हैं उससे शादी की इच्छा है, और धन की कमी है, संतान प्राप्ति की कोई इच्छा है, ईश्वर प्राप्ति की जो भी इच्छा है आपको, उसे आपको एक भोज पत्र पर गूलर के फल के रस से आपको अपनी इच्छा को उस पर लिखना है, और उस भोजन को फिर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर ही पूरी होगी। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आपको तुरंत ही कर लेना चाहिए। गुरुजी ने ही ये अपना उपाय खुद अपने एक भक्त को दिया है कथा में, ध्यान से सुनिएगा। शाम के वक्त पका हुआ गूलर का फल आपको लेकर अपने घर आना है। शाम के समय में ही आपको इसे तोड़ना है और उसे लेकर अपने घर आना है, और उसे घर के पूजा स्थल पर या फिर धन की जो पेटी है जहां आप अपना धन रखते हैं, और या फिर आप जहां पर अपना अनाज रखते हैं वहां पर, इन सभी जगहों पर एक एक गूलर का फल आपको रख देना है। सभी जगह पर आपको रखना है, ऐसा नहीं कि किसी एक स्थान को आपने छोड़ दिया। आपको जहाँ अनाज रखते हैं वहाँ भी रखना है, जहाँ धन रखते हैं वहाँ भी रखना है, और जहाँ पर आपका घर का मंदिर है, जहाँ आप पर पूजा स्थल है वहाँ पर भी आपको गूलर का फल रख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर पर कभी भी कोई भी कोई कमी रहेगी ही नहीं, हमेशा अन्न धन से भरा रहेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, हर तरफ से आपको तरक्की मिलेगी। जिसको जो है ब्याह शादी ब्याह संबंधी कोई परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, और व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी, संतान संबंधी कई अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती है जिनका आपको तुरंत ही परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। ये गूलर बहुत ही ज़्यादा प्रयोगफुल चीज़ है दोस्तों, आप इसको एक बार करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको चाहती तो तुरंत भी बता देती, लेकिन मैंने आपको पूरा इसीलिए समझाया ताकि आपको इसके फ़ायदे भी पूरी तरीके से मिल सकें। आप चाहें तो गुरुजी की वीडियो में भी इसे देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको ये छोटे छोटे से उपाय मिल पाएंगे। तो बस मैंने इसीलिए इस उपाय को बताया है ताकि सनातन धर्म के ये प्रयोग, ये उपाय सभी जगह फैल सकें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को इसको पूरा फल प्राप्त हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और आप हमारे चैनल में जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और बस इतना ही आपसे आग्रह है कि सभी के साथ इन उपायों को शेयर करें, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी परेशानी से परेशान ज़रूर है, शायद हमारी ज़रा सी मदद से उसका भाग्य जो है पूरी तरीके से बदल जाए। तो बस यही आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, हरिओम हरिओम।